आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्किल अराउंड आईज, या वह समस्या है जो आपकी आंखों को खूबसूरत होते हुए और आपके चेहरे के खूबसूरत होते हुए भी आपको खूबसूरती का एहसास नहीं दिला पाता। आज हम आपकी इसी मन की दुविधा को दूर करने का एक सार्थक प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक केस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, डार्क सर्किल अराउंड आईज या काले घेरे आंखों के आसपास अराउंड, वह समस्या है जो आपकी अच्छी भली खूबसूरत आंखों को भी खूबसूरत नहीं दिखने देती। चेहरा आपका बेदाग है, चेहरा आपका गोरा है या गोरा नहीं भी है, साफ है, साफ चेहरा है बिल्कुल, और आंखों के चारों तरफ काले घेरे हैं और आप इससे परेशान हैं। आप तमाम तरह के कंसीलर्स लगाती हैं, फाउंडेशंस लगाती हैं, यथाकथा जो हो सकता है आप करती हैं इन विदेशी महंगी कंपनियों का, लेकिन आपके मन में जरूर ये बात बनी रहती है कि हमारी चेहरे के रंग से हमारी आंख के आसपास की स्किन का रंग भिन्न है, डिफरेंट है, और आप इससे परेशान रहती हैं। लेकिन साथियों, बहुत अच्छे ऐसे घरेलू नुस्खे अपने हिंदुस्तान में, भारत में इस्तेमाल करे गए हैं, इस्तेमाल करे जाते हैं, जिनको मेडिकल साइंस आज डिस्कवर कर रही है, जो आपकी समस्या को धीरे धीरे करके 2-3 महीने के अंदर खत्म करने में सक्षम है। आज हम साथियों एक ऐसा ही घरेलू नुस्खा आपके बीच लेकर आए हैं जो आपकी आँखों के इस काले घेरे को खत्म करके आपको जो मानसिक प्रताड़ना अपने में महसूस होती है उसको ख़त्म करेगी, आपकी इस स्किन को साफ करेगी और चेहरे को एक जैसा करेगी। इसके लिए साथियों एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, इसको सही होने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वह है पूरी नींद लेना, फ़ोन का इस्तेमाल कम करना और तनाव को कम रखना। इनको आप करिएगा और साथ में करिए ये घरेलू नुस्खा, आप देखेंगे 2 से 3 महीने में आपके आँखों के अराउंड जो डार्क सर्किल हैं वह काफ़ी कम हो गए। इस खूबसूरत घरेलू नुस्खे के लिए, आपको खूबसूरत बनाने के इस नुस्खे के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है साथियों। आपको एक आलू लेना है, आलू यानी पोटैटो, अनबॉइल्ड पोटैटो, ऐसे कच्चा आलू, एक कच्चा आलू लेना है, उसके छिलके को उतार लेना है और छिलके को उतार के उसको कूच लेना है, क्रश कर देना है, उसको क्रश कर देना है और साथ में आपको लेना है क्यूकम्बर, क्यूकम्बर यानी खीरा, एक खीरा लेना है, आपको उसको भी क्रश कर देना है, उसको भी कूच देना है। इन दोनों चीज़ों को कूच के आपको उसका मिक्स कर लेनी है दोनों चीज़ें, और फिर इसको किसी छलनी पे इसका जो पेस्ट तैयार होगा आपका, इस पेस्ट को क्रश करके इसका जूस निकाल लेना है। इसका जो रस है, जूस है, यानी खीरे का और पोटैटो का, इसका जो जूस आपका निकला है छलनी से छान के, उसको आपको ठंडा कर लेना है फ्रिज में, और उसको ठंडा करके साथियों, चिल्ड करके, उसको बहुत ठंडा करके, उसको आपको कॉटन से, रुई से अपनी आईज के चारों तरफ लगा लेना है। ये लगा के आपको आधा घंटा छोड़ देना है। आधा घंटा छोड़ने के बाद आपको ठंडे पानी से वापस इसको धो लेना है। ऐसा आपको प्रयास करिए दिन में 2 बार करने का, एक बार सुबह, एक बार शाम। अगर 2 टाइम आप ना कर पाएं तो आप 1 टाइम करें और 2 से 3 महीने तक इसको आप लगातार करें। आप देखेंगे साथियों कि आपके काले घेरे आँखों के चले गए, आपकी स्किन का जैसा आपका गाल का रंग है, जैसा आपका माथे का रंग है, वही रंग आपकी आंखों के नीचे की स्किन का भी हो गया, यानी आपका चेहरा फ्लॉलेस, साफ और एक जैसी स्किन टोन हो गई। और साथियों हम आपको यह भी बताते हैं कि यह जो पोटैटो और खीरे का नुस्खा है ये आपको वर्क क्यों करेगा, क्यों यह कार्य करेगा। साथियों यह नुस्खा इसलिए आपको बेहतर काम करेगा क्योंकि जो इसमें पोटैटो, आपने एक पोटैटो का जो जूस लिया है क्रश करके, उसमें एंथोसाइनिंस पाए जाते हैं। एंथोसाइनिंस
जो पोटैटो में पाए जाते हैं यह आपके पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करेंगे। और उसके अलावा एक आलू में, एक पोटैटो साथियों जिसका आपने जूस लिया है उसमें 535 ग्राम मिलीग्राम पोटेशियम है, इतना हाई क्वांटिटी पोटेशियम है, तो यह आपकी स्किन को लाभ देगा। और दूसरा कंपाउंड जो साथियों यूज़ करा है आपने वह है क्यूकम्बर। क्यूकम्बर यानी खीरे में साथियों विटामिन सी पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है और लैक्टिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी जो है न्यू सेल्स की जनरेशन में ग्रोथ में मदद करता है, जो नई कोशिकाएं होती हैं वहाँ जो आपके आँख के नीचे नई अच्छी कोशिकाएं, कम मिलेनिन वाली कोशिकाएं जो ग्रो करेगा वो करेगा विटामिन सी। आपका जो फोलिक एसिड है वह आपकी टॉक्सिसिटी स्किन की इस एरिया की ख़त्म करेगा। और जो आपका लैक्टिक एसिड है इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, यह आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा। यही अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड साथियों मलाई में भी पाया जाता है। तो यह तीन चीज़ें आपको क्यूकम्बर में मिलेंगी, खीरे में मिलेंगी, जिसका कुल 95% भाग पानी है। तो आप साथियों इस नुस्खे को करिएगा, जिसमें कि आप एक आलू लीजिएगा, एक खीरा लीजिएगा, दोनों को क्रश कर लीजिएगा, दोनों का पेस्ट बना के छान लीजिएगा, उसका जो जूस निकले उसको ठंडा कर लीजिएगा, उसको आप कॉटन पैड से आँखों पे लगा लीजिएगा। आप साथियों इसको करिएगा 2 से 3 महीने, दिन में 2 बार हो सके तो, नहीं तो 1 बार, और हमको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइएगा आपको इससे लाभ हुआ कि नहीं। मन में कोई क्वेरी हो साथी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, कोशिश करेंगे आपकी बात का जवाब दे सके। निवेदन करेंगे साथियों, मेहनत से बने और रिसर्च से बने इन वीडियोस को, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और उससे ज़्यादा ज़रूरी शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि अपने इष्ट मित्रों में ये वीडियोज़ का मैसेज पहुँच पाए। अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा, अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिएगा। अपनी सोच में साथियों, जिसके कारण आपने हमारे इस वीडियो को लॉगिन करा और इस वीडियो को देखा, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।